उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद की धर्मनगरी हरिद्वार में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह यादव ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने साधु संतों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार जल्द साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि शंकराचार्य के समय से चार धाम को लेकर जो रीति रिवाज और परंपरा चल रही है, उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उससे पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। वहीं महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का देवस्थानम बोर्ड बनाना बहुत ही गलत निर्णय था, सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही गलत निर्णय उत्तराखंड सरकार का था और उत्तराखंड सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। हम सब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संत, देश भर की सभी संस्थाएं इसकी निंदा करते हैं कि केंद्रीय कानून बनाकर पूरे ही देश में मंदिरों का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। ये हिंदू संस्थाओं की स्वायत्तता पर एक प्रकार से कब्जा है और हरिद्वार में भी और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी जिस प्रकार से विवाद होते हैं, विवाद के बाद सरकार उसको अधिग्रहण करती है और सरकार मंदिरों का अधिग्रहण और मंदिरों पर जिस प्रकार से कुदृष्टि, चाहे वो किसी भी की दल की सरकार है, वो दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, इसकी हम घोर भर्त्सना करते। ज्ञान व्यापी या श्री कृष्ण जन्मस्थान, हम सब लोग पहले से ही श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ की मुक्ति की मांग करते रहे हैं। ये तीनों स्थान हिंदुओं के बहुत ही और सर्व सिद्ध स्थान हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि देश के कई प्रांतों में हमारे मंदिरों को सरकार चलाती है और उस पर नियंत्रण भी सरकार का होता है, इससे हमारी परंपरा बिगड़ रही है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करें और हिंदू समाज को सौंप दें। मुख्य विषय तो ये था कि देश के बहुत सारे प्रांतों में हमारे मंदिर और दूसरे धार्मिक संगठन उनको सरकार चलाती है, उनका अपॉइंट किया हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाता है और नियंत्रण भी सरकार का है। इससे परंपरा भी बिगड़ रही है, प्रशासन भी बिगड़ रहा है। तो हमने सरकार से मांग की है कि वो हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू समाज को सौंप दे, वैसे ही जैसे मस्जिद और गुरुद्वारों पर भी सरकार ने चलाने का काम नहीं करती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, हमने उनसे कहा कि आपने मंदिरों के अधिग्रहण का जो कानून बनाया है वो ठीक नहीं है, मंदिर सरकार को या अफसरों को नहीं चलानी चाहिए। और उसमें जो बाद में एक अतिरिक्त घोषणा से 51 मंदिर जोड़े हैं वो भी अनुपयुक्त है। मठ मंदिरों को सरकार के अधीन किए जाने को लेकर देश भर के तमाम साधु संत सरकार के विरोध में थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी मठ मंदिरों को अधीन करने के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था और 51 मंदिर भी उसके अधीन कर दिए थे। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साधु संतों को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा 51 मंदिरों को जल्द से जल्द अलग किया जाएगा और देवस्थानम बोर्ड पर पूर्ण विचार किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।